स्टेज पे मौजूद डिप्टी कन्वीनियर और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर भाई, रुकुन राबता कमेटी महमूद मसूद भाई, एसटीसी मेंबर और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जफर सिद्दीकी भाई, डिस्ट्रिक्ट कमेटी सेक्टर इंचार्ज सेक्टर कमेटी यूनिट कमेटी और मेरी प्यारी आवाम, बिलखसूस यहाँ पर मौजूद मेरे सिंधी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से यहाँ पर कामन भाई और यामिन भाई ने बताया, तो मैं भी अपने डिप्टी कन्वीनियर वसीम भाई को बता दूं कि ये सेक्टर ई इंशाल्लाह ताला जब तक एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ रहेंगी। अच्छी खासी मैं समझता हूँ तारीफ करके जाएंगे और यकीनन आपको मजा भी आएगा उनकी तारीफ। तो यहाँ पर बरसाती मेंढक उस दौरान नजर आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, जब कोई उनको काम होता है, वैसे एमक्यूएम के वैसे इस आवाम के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदे कारकुन और सेक्टर और यूनिट नजर आता है। इसी तरीके से कुछ रोज पहले से और आज भी एक यहाँ पे बरसाती मेंढक जो घूमता रहता है, जो कहता है कि मुझे सेनेटर बनाया, मुझे मेयर बनाया, मुझे एमपी बनाया। अबे भाई ये तो बता, तुझे माजरों ने बनाया या तेरे घर वालों ने बनाया? यहाँ पर उनके साथ रहता है, वो सुख रहता है और अपना नाम और पार्टी का नाम रोशन करता है। यहाँ पर जिस तरीके से कामन पाकिस्तान की तरफ से सेक्टर ई की तरफ से तमाम राबता कमेटी को बता दिया जाता है कि कामयाब एडवांस पे कामयाब हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला आइंदा ये रैली और 4 अक्टूबर को जो रैली है वो इससे भड़के। मेरी माए बहने, कल भी एमक्यूएम पाकिस्तान का था, आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान का है।